हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं बात करने वाला हूँ जिनका पीटी हो चुका है और डीबी में लिस्ट में नाम नहीं आया है उनके लिए। मैंने इन पर पहले एक वीडियो बनाया था एक महीने पहले, तो जिन पे मैंने बताया था कि कट ऑफ कम होने का क्या रीज़न है कि जिनका भी अगर पीटी हो चुका है उनका डीबी में नाम आ सकता है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, उस पर इतना ज़्यादा कमेंट्स है मेरे भाई का, दोस्तों का, कि मेरा 0.2 कम है, मेरा 0.5 कम है, मेरा 8.5 कम है, मेरा 2.99 कम है, जितना भी कम है, क्या मेरा डीबी में नाम आएगा या नाम नहीं आएगा। तो मैंने कोशिश किया है कि सारों का कमेंट्स का रिप्लाई मैं करूं, और ये जो मैं बताता हूँ कि इतना कम हो सकता है नहीं हो सकता, ये कोई ऑफिशियल नहीं है और ये बात कोई बता भी नहीं सकता है। रेलवे बोर्ड वाले भी नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, तो ये एक एक्सपेक्टेशन है। तो आप ये समझिए कि मैं कैसे ये बात आपको बताता हूँ, या आप खुद से भी ये बात सोच सकते हैं कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और ऐसा क्यों होगा। आपको पता है कि जितना भी वैकेंसी था उसमें 3 गुना बच्चे को लिया गया था पीटी के लिए, उसमें से पीटी कुछ डिस्क्वालीफाई हो गए, उसके बाद मेडिकल में कुछ निकल गए, उसके बाद फर्स्ट डीबी लिस्ट आया, जितने का भी नंबर आया था सब बोर्ड का अपना अलग अलग था डीबी लिस्ट, उसके बाद फिर सेकेंड आया, फिर थर्ड आया, ये प्रक्रिया चल रहा है। जैसा कि आपको पता था कि इससे पहले का ग्रुप डी में 1.5 गुना रिजल्ट दिया गया था 2018 वाले में, इस बार 1:1 में रिजल्ट दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो बच्चे बचे हैं उनको ऐसा नहीं है कि फिर से नहीं बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है इस बार, लेकिन वेटिंग लिस्ट खत्म कर दिया है। क्योंकि वेटिंग लिस्ट रहने से होता था, जिनका भी 1.5 दे दिया जाता था रिजल्ट, अगर उनका नाम नहीं आता था तो वो फिर प्रोटेस्ट करने लगते थे, तो गवर्नमेंट के पास मजबूरी हो जाती थी उनको जॉब देना। अगर सीट नहीं है फिर भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सर गवर्नमेंट को मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने एक वेटिंग लिस्ट रख दी है। तो अब वो वेटिंग लिस्ट नहीं रखते हैं, 1:1 में रिजल्ट देते हैं, जितने मान लो अभी 10 सीट है उसमें से 10 को उन्होंने बुलाया कि आप आके ज्वाइन कीजिए, 10 में से 8 ने ज्वाइन किया, 2 ने नहीं किया, तो 2 सीट जो वैकेंट बचा उसके लिए फिर से एक कट ऑफ आता है जो जिसको हम सेकेंड बोलते हैं, फिर उसमें से एक ने किया एक ने नहीं किया तो फिर थर्ड आता है। तो ये प्रक्रिया होता है, वेटिंग लिस्ट नहीं है, लेकिन जो भी पीटी और मेडिकल सॉरी जो पीटी क्वालिफाई है वो वेटिंग लिस्ट में ही माने जाते हैं जितने भी आदमी हैं, लेकिन ऑफिशियली वेटिंग लिस्ट नहीं होती इसके, पहला बात तो ये हुआ। और दूसरा, मैं कट ऑफ कम होने का रीजन ये बताया था आपको कि एक अभी आपको दिख रहा होगा कि बिहार में कितनी सारी वैकेंसी है, जहां जहां विधानसभा चुनाव होने वाला है सभी जगह वैकेंसी एकदम भरमार लगी हुई है, इलेक्शन का टाइम है, और जो भी दूर दराज में ग्रुप डी का नौकरी करने गए, ग्रुप डी का बहुत अच्छा सैलरी नहीं होता है, 30-32 हज़ार के आसपास होता है, TA DA सब लगा के वो डिपेंड करता है, तो आप 27 हज़ार मान सकते हैं आपका NPS सब अगर कट रहा है तो। उसके बाद कहीं एक्स सिटी में है तो उनका रेंट ज़्यादा आ जाता है 5 हज़ार के आसपास, तो उनका 30 हज़ार हो जाता है, किसी का 3600 रेंट आ जाता है तो 29 हज़ार सैलरी हो जाता है, इस हिसाब से होता है, लेकिन अप्रॉक्स आप 27-28 हज़ार के आसपास मान सकते हैं कि मिनिमम इतना आता है ग्रुप डी वाले का। तो जिनका अपने स्टेट में जॉब हो जाता है, जो कि दूर दराज में है, कोई चेन्नई में जॉब करने चले गए हैं, कोई मुंबई चले गए हैं, कोई सिकंदराबाद आ गए हैं, उनका अगर लोकल एरिया में स्टेट लेवल पे कोई भी जॉब हो जाता है तो वो ग्रुप डी छोड़ के अपना स्टेट लेवल में चले जाते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि कट ऑफ आपका कम होगा, क्योंकि वैकेंसी है तो कोई ना कोई लड़का जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि जिसने ग्रुप डी ज्वाइन किया है उनका वहाँ रिजल्ट नहीं होगा या वो वहाँ पास नहीं कर सकते, पहला रीज़न ये है। दूसरा ये है, आपको पता है कि GDC के तहत अभी सारे बोर्ड में वैकेंसी आया हुआ है, तो गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि अगर कोई भी वैकेंसी डिपार्टमेंटल होती है तो आप उसमें अपने से नीचे लेवल में नहीं जा सकते। जैसा कि आपको पता है कि ALP का वैकेंसी आया हो तो ALP लेवल 2 का है, तो ALP लेवल 2 में कौन जाएगा, 2 वाले तो 2 में जाएंगे नहीं, या मान लेते हैं कुछ टेक्नीशियन वाले सब जा सकते हैं, लेकिन कुछ जाएंगे 5% 10% मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो लेवल 2 में कौन जाएगा, लेवल 1 वाला लड़का जाएगा, वो भी डिपार्टमेंटल है, सबसे पहली बात आप जानिए डिपार्टमेंटल है तो कौन जाएगा, डिपार्टमेंट का ही आदमी जाएगा। उसके बाद GDC कभी भी होता है तो वो अपने बोर्ड में होता है, आप जिस भी बोर्ड में है, सिकंदराबाद, अलाहाबाद, CR मुंबई,
जिस भी बोर्ड में, तो उस बोर्ड का ही बच्चा जाएगा। मान लीजिए अभी 500 ALB का वैकेंसी है, तो 500 अगर कोई भी बच्चा गया, तो जिसने ग्रुप डी या पहले से कर रहा है या अभी ज्वाइन किया है जाएगा तो वही, तो 500 सीट तो खाली हुआ। 500 सीट खाली हुआ तो ऐसा थोड़ी है कि 500 सीट खाली कर दिया तो रेलवे चलेगा कैसे, आदमी का तो कमी वैसे अभी भी है। तो 500 फिर से नया बच्चा को बुलाया जाएगा, जिनका भी PET हो चुका है उनको DB के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर उनको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। ये मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। आप भी प्रैक्टिकली सोचेगा तो आपको भी ऐसा ही नज़र आएगा। तो दूसरा ये रीज़न है। तीसरा ये है कि अगर कोई ओपन कैटेगरी से अच्छा वैकेंसी आ रहा है, अभी जैसे CGL सबका आया था, ये SSC GD का आया था, कुछ बच्चे का उसका सिलेक्शन हो गया है, तो उसमें भी अगर ग्रुप डी वाले हैं तो वो छोड़ के जा रहे हैं, तो उसमें आपका बेनिफिट है जिनका PET हो चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ कम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर 65 पे DB पहला DB लिस्ट हुआ है, अगर आपका 60 नंबर है तो एक लिस्ट में 60 पे नहीं आएगा। 5 नंबर अगर कम होगा भी तो कम से कम 5-6 DB लिस्ट तो आना चाहिए। इतना एक DB में एक नंबर से ज़्यादा कम नहीं होगा UR को छोड़ के किसी का भी, क्योंकि UR में क्या होता है, मैक्सिमम कटअप दिया जाता है कि अगर मान लीजिए 60 कटअप है तो ये मैक्सिमम है। किसी भी कैटेगरी वाले आदमी को 60 के बाहर नहीं रखा गया, जितना भी कैटेगरी वाले आदमी है वो 60 से नीचे ही है, चाहे वो OBC हो, SC ST हो, EWS हो, कोई भी हो। तो UR में कटअप कम ज़्यादा होता है, इसका रीजन ये है कि 60 वाले से ऊपर वालों की संख्या कम है, क्योंकि वहाँ सिर्फ UR वाले ही हैं और कोई होता नहीं है। तो जैसे अगर वहाँ पे 65 पे DB लगाया गया है तो 5 नंबर बहुत जल्दी ही कम हो जाता है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि अगर आप 60 से नीचे हैं तो आप 60 से नीचे जैसे ही आप आएंगे तो अगर एक एक नंबर कम होता है तो आपको स्टूडेंट का संख्या बढ़ते जाता है, लेकिन अगर आप 60 से ऊपर जा रहे हैं तो आपको स्टूडेंट का संख्या कम मिलते जाता है धीरे धीरे। तो ये होता है कि अगर 10 बच्चे का जरूरी है UR कैटेगरी में, अगर 65 पे फर्स्ट DB लिस्ट लगा है तो 10 बच्चे को खोजने में उसको हो सकता है कि एक नंबर कम करना पड़े तब उसको 10 बच्चा मिले, लेकिन कैटेगरी में क्या होता है, खास करके SC ST और EWS में उनका कटअप जाता है कम। आप देख सकते हैं, मान लीजिए उसका कटअप गया है 50 से जैसे वो 10 बच्चे को खोजने में आएंगे तो पता लगेगा उनको 49.5 पे उनका 10 बच्चा पूरा हो गया है, लेकिन UR कैटेगरी में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा गैप होता है ज़्यादा, क्योंकि उनका कट ऑफ पहले से ही हाई होता है। तो ये रीज़न होता है UR कैटेगरी वाले का ज़्यादा क्लियर होने का, OBC का उसके बाद क्लियर होता है, पैनल में नाम आता है, सबसे कम होता है SC ST और उससे भी कम होता है EWS, क्योंकि आपको पता है EWS का कट ऑफ इस बार सबसे ज़्यादा कम गया हुआ है क्योंकि फर्स्ट टाइम था। तो ये रीज़न होता है EWS का कट ऑफ सबसे कम जाने का, और उसके बाद SC ST का, उसके बाद OBC का, सबसे ज़्यादा अगर क्लियर होता है किसी का तो वो होता है UR का। तो जिनका भी एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर तक कम है उनका लिस्ट में नाम आएगा, आप भरोसा रखिए। और ये कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कब आएगा। वैसे अभी आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि GDC का एग्ज़ाम दिसंबर में दे दिया गया है। दिसंबर में अगर एग्ज़ाम होगा तो फरवरी तक आ जाना चाहिए उनका लिस्ट में नाम, या कम स्टूडेंट रहता है तुरंत हो जाता है, अगर ज्वाइनिंग जैसे ही करवाएगा तो आप लोगों को फिर से बुला लेगा, तो कट ऑफ 100% कम होगा। अब कितना कम होगा इस बात का गारंटी किसी के पास नहीं है, लेकिन जिनका भी एक दो नंबर कम है उनका लिस्ट में नाम जरूर आएगा, अगर वो खास करके UR और OBC कैंडिडेट है तो। SC ST का भी आएगा, लेकिन उनका कट ऑफ कम डिक्रीज होता है। आप प्रैक्टिकली भी इससे पहले का भी देख सकते हैं, जो 18 का था या फिर उससे पहले भी जब भी वैकेंसी आया हुआ था या फिर अभी भी जो है उसमें आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं किसी किसी बोर्ड का UR का क्लियर हो चुका है पूरा। अलाहाबाद बोर्ड का आप देखिएगा UR कैंडिडेट का पूरा जितना PET क्वालिफाई था लगभग का 90% का हो चुका है, पॉइंट में कुछ कट ऑफ बचा हुआ है। तो आप लोग उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, एक दो नंबर जिनका कम है उनका होगा ही। और मैं आपको दिखाता हूँ एक बोर्ड का कि कट ऑफ कितना डिक्रीज हो चुका है 3 DB लिस्ट में। आप देख सकते हैं कि ये इलाहाबाद का है, ये कट ऑफ लिस्ट आया है, इधर आप देख सकते हैं पब्लिश जो हुआ है 22/12 को हुआ है, तो ये PET का कट ऑफ है, शायद कहीं पे लिखा भी हो लेकिन PET लिखा हुआ नहीं है, हाँ फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये PET का कट ऑफ था, जिसमें कि UR का कट ऑफ 66.48 गया हुआ था। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 66.48 था,
एससी का 52.35 था, एसटी का 35.55 था, ओबीसी का 59.93 था और ईडब्ल्यूएस का 48.83 था। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड डीवी लिस्ट आया अभी। थर्ड डीवी लिस्ट में आप देखिए इधर यूआर देखिए 66.50 हो चुका है, जो कि पीटी में कितना था 66.48, मात्र डिफरेंस 0.2 के आसपास बचा हुआ है यूआर में। उसके बाद ओबीसी में भी आपको ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, 66.08 है, और इधर आपको दिखेगा ओबीसी का 59.93 है, जो कि लगभग 60 मान सकते हैं, 6 नंबर का डिफरेंस अभी भी चल रहा है। एससी एसटी में भी आप देखिएगा 52.35 है एससी में और एसटी में 35.55 है। देखिए एसटी में 35.55 है, इतना कम कट ऑफ है, जैसे ही एक नंबर बढ़ाएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मिल जाता है एसटी कैटेगरी में, तो ये रीज़न होता है, इसी वजह से एससी और एसटी का कम कट ऑफ डिक्रीज होता है। और इधर आप देखिए अभी यहाँ 46.62 चल रहा है एसटी का और एससी का 58.12 चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ यूआर का पूरा फाइनल हो चुका है कट ऑफ लगभग। अब यूआर का बच्चा है नहीं तो अब ये ओबीसी एससी एसटी के पास ही जाएंगे या फिर ईडब्ल्यूएस के पास जाएंगे, जिस भी कैटेगरी का उनका सीट बचा होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं तीन डीवी में लगभग इनका फर्स्ट डीवी जो गया था 71 के आसपास गया था अप्रॉक्स, हमको 100% नहीं पता है लेकिन 71 के आसपास गया हुआ था। तो 4-5 नंबर तीन डीवी लिस्ट में ही कम हो चुका है आप देख सकते हैं इधर। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना कम हो सकता है, कट ऑफ कम जरूर होगा, आप लोग थोड़ा वेट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।